Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. New just for you, just born kids toys. ARK Giri, silk and sari. Ex-MLA Mallikarjun Khobane ki Bengaluru mein ex-CM HD Kumar Swami se mulaqat. नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसों कल्याण एक्स एम एल ए मल्लिकार्जुन खोबा दो बार के जेडीएस एमएलए रह चुके। 2018 में जेडीएस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर बीजेपी से एमएलए इलेक्शन लड़े, जिसमें 44,153 वोट लेकर कांग्रेस के सामने हार का सामना करना पड़ा। और उस वक्त बी नारायण राव 61,425 वोट लेकर जीत हासिल की थी। एमएलए बी नारायण राव के निधन के बाद 2021 में बाय इलेक्शन किया गया। उस वक्त बीजेपी से शरणु सालगार को टिकट दिया गया। एक्स-एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा को बीजेपी से टिकट ना देकर शरणु सालगार को टिकट दिया गया और शरणु सालगार 2021 के बाय इलेक्शन में जीत हासिल की। 2021 में मल्लिकार्जुन खोबा को बीजेपी का टिकट ना मिलने पर वो इंडिपेंडेंट बाय इलेक्शन लड़े और यहाँ पर भी एक्स-एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद मल्लिकार्जुन खोबा को बीजेपी से सस्पेंड किया गया। सस्पेंड होने के बाद मल्लिकार्जुन खोबा कभी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए तो कभी बीजेपी के नेताओं से। अब वो जेडीएस के एक्स सीएम एचडी कुमार स्वामी से मुलाकात कर उन्हें फूलों का बुके दिया और उनके चरण स्पर्श कर। आईलाइट इंडस्ट्री एएसी ब्लॉक, कंस्ट्रक्ट योर ड्रीम होम विद क्वालिटी प्रोडक्ट, ड्रीम होम फर्निशिंग, कर्टन एंड सोफा, हाजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ब्यूटीफुल होम फॉर सेल विद ऑल फैसिलिटीज करते नजर आ रहे हैं। सर स्कूल करीतेने ಬರಬೇಕಣ್ಣ सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत जल्द मल्लिकार्जुन खोबा जेडीएस घर वापसी करने वाले हैं। 2023 असेंबली इलेक्शन को लेकर जेडीएस पार्टी ने ऑलरेडी अपना उम्मीदवार सैयद अशरफ अली खादरी को घोषित किया है। फिर क्या वजह हो सकती है कि मल्लिकार्जुन खोबा जेडीएस ज्वाइन करने वाले हैं और फिर से जेडीएस का टिकट लेकर बसों कल्याण असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले हैं। फिर 2024 में होने वाले एमपी इलेक्शन को लेकर ये जेडीएस में वापसी करने वाले हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है एक्स एमएलए मल्लिकार्जुन खोबा, जो कभी पंचरत्न यात्रा के समय एचडी कुमार स्वामी से मुलाकात कर उन्हें उनकी यात्रा सफल होने की कामना की। मल्लिकार्जुन खोबा की माता भी कुमार स्वामी को यात्रा के दौरान आशीर्वाद दिया। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर, द डायमंड टैटू स्टूडियो एंड प्रेसेस। ನಮ್ಮ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ अभी मल्लिकार्जुन खोबा बेंगलुरु पहुंचकर एचडी कुमार स्वामी का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। ಉಮಾಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕರಿತೀನಿ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ,
ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.